सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एक्वेरियम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एसजे इंसेप्शंस योर एक्वेरियम चैनल। आई एम एट ए मार्ट एक्वेटिक वर्ल्ड एट सानपाड़ा एंड करंटली आई एम एट द फिश हैचरी ऑफ ए मार्ट एक्वेटिक वर्ल्ड एंड इन टूडेज वीडियो विल बी कवरिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग अनयूजुअल, जो हमने बहुत से वीडियोज़ में हम कवर नहीं करते। बेसिकली हम लोग फिश एंड ऑल तो देखते ही है, कवर करते हैं, बट आज के इस वीडियो में कुछ अलग चीज़ हम आपको दिखाएंगे, कुछ अलग वराइटी का चीज़ हम आपको दिखाएंगे। सो उसके पहले आई एम विथ मिस्टर जयवंत। हाय जय। हेलो। सो जय, आज के वीडियो में आप हमें क्या दिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ क्रेफिश का एक वैरायटी लॉबस्टर। ओके। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्रैब्स। ओके। उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं श्रिम्प्स। ओके। तो जय, हम तो फिश मतलब बेसिकली कवर करते ही हैं, और हमारा जो प्रीवियस का वीडियो था 7 अनकॉमन फिशेस, बहुत ही बढ़िया वीडियो था। बहुत से व्यूवर्स ने देखे नहीं थे, मैंने भी खुद फर्स्ट टाइम देखे थे। तो आज का ये जो वीडियो है, बेसिकली मैं तो फिशेस रखता हूँ एंड आई हैव सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देम, बट मुझे श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स और क्रैब्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो मेरे लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिंग होने वाला है एंड आई विल बी लर्निंग from you as well about this. So I've got a lot of comments, a lot of people had requested me to make videos on crabs, shrimps or jo lobsters hote hai, but available nahi hote, isliye it couldn't be possible to make. Aur A Mart mein aapke paas teenon varieties available hai, to aaj ke is video mein hum wo cover karne wale hai. To jo log hai unhone mujhe request ki thi ki basic information de, uske bare mein jankari de, to kya aap hame unke sath jo basic information unhe kaise rakhte hai, kya feeding dena chahiye, wo sab hame batayenge? Yes. Okay, so we'll proceed towards the all the varieties. Okay. Yes. Yeah. So make sure you stay tuned till the end of the video to watch all the different varieties that are available at A Mart Aquatic World. So guys, here are the different varieties of crayfishes, and here are all of them. I am with Mr. Jay. तो Jay, सबसे पहले तो ये क्या चीज़ है? ये lobsters है। Okay. ये ब्लू लॉबस्टर्स है, इसमें बहुत सारी कलर्स आते हैं। हाँ। अभी इसमें ब्लू कलर की है तो इसमें उतना ब्लू कलर दिखाई नहीं देगा आपको। okay. इसमें डार्क ब्लू कलर भी आते हैं, ऑरेंज आते हैं, रेड कलर्स आते हैं, लेकिन फिलहाल सब आउट ऑफ स्टॉक है। okay. और ये अवेलेबल है तो आज मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये लॉबस्टर्स जो है ये पानी में रहते हैं। अच्छा। फुल ऑफ वाटर में आप इन्हें रख सकते हैं। okay. इनको हाइडिंग प्लेसेस चाहिए ज्यादा, और इनके खाने के लिए आप इनको जैसे वर्म्स या फिर क्रेफिश के लिए स्पेशल फूड्स आते हैं। okay. वो आप डाल सकते हैं। ओके। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि जो लॉबस्टर्स हैं उनको कैसे रखते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ये मरे नहीं, अच्छे से रहे, तो सबसे पहले अगर कोई अगर इनको घर में लेके जाता है तो सबसे पहले इनको कैसे रखना चाहिए, किस टैंक में रखना चाहिए, कैसा सेटअप होना चाहिए, क्या इस सब के बारे में आप हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे इनके बारे में? तो मोस्टली लॉबस्टर को आप जब रखते हैं तो फिशेस के साथ हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि लॉबस्टर थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं। okay. तो फिशेस को ये पकड़ के खा भी सकते हैं। okay. तो इनको इनके लिए एक अलग ही सेटअप होता है। जैसे बॉटम में आप थोड़ा सा सैंड बिछा दो। अच्छा। उसमें थोड़े से ड्रिफ्ट वुड जैसे मैंने डाले हुए हैं वैसे ड्रिफ्ट वुड रख दीजिए, सम हाइडिंग प्लेस रॉक्स वगैरह होल रॉक्स रख दीजिए, तो वो होल रॉक्स में छिपने जाते हैं, तो बहुत सारे होने के कारण उनमें आपस में झगड़ा नहीं होता है। ओके। अगर आप उनके हाइडिंग प्लेसेस बढ़ा दे तो। जी हाँ। और बाकी तो लॉबस्टर को उतना कुछ केयर लेने की जरूरत नहीं है। ओके। और फीडिंग वगैरह कैसा करते हैं? फीडिंग इनको दिन में दो बार किया जाता है। अच्छा। जैसे आप उनको वर्म्स डाल सकते हैं, ड्राई वर्म्स डाल सकते हैं। ओके। या क्रे फिश के लिए सम स्पेशल फूड्स मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप दे सकते हैं। ओके। और साइज इनकी कैसी, कितनी बढ़ती है? इनकी साइज 6 इंचेस तक बढ़ जाती है। ओके। और जो मीट लॉबस्टर्स होते हैं, आर दे डिफरेंट की यही वैरायटी होती है? नहीं, दे आर डिफरेंट। ओके। ये एक्वेरियम के लॉबस्टर्स है सारे? या एक्वेरियम लॉबस्टर्स जो होते हैं, अभी हमारे यहाँ पे तो ये एक्वेरियम के लिए यूज होते हैं, लेकिन जहाँ का ओरिजिन है वहाँ पे तो खाने के लिए भी यूज होते हैं। अच्छा। सो ये थे लॉबस्टर्स, अब हम बढ़ेंगे दूसरे वैरायटी के क्रेफिश के ऊपर। सो नाउ विल बी लुकिंग एट द नेक्स्ट वैरायटी एंड हियर आर दे। तो जय,
क्या चीज है ये? ये क्रैब्स है। ओके, मोस्टली बहुत से हॉबिस्ट क्रैब्स अपना पसंद करते हैं, तो हम लोग ने पहले भी बताया था कि हमारा काम ही वो है कि हॉबी को बढ़ाओ। ओके, तो हम लोगों ने क्रैब्स दी उनके लिए प्रोवाइड कर दिया। राइट, तो ये बड़े होते हैं साइज में? नहीं, ये छोटे ही रहते हैं, इसमें बहुत सी वैरायटीज आती है। ओके, तो जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 वैरायटीज है। ओके, तो जे बात करते हैं इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर कोई इन्हें रखता है तो घर में इन्हें रखता है कोई, हाँ, तो सबसे पहला स्टेप्स प्रिकॉशंस क्या करनी चाहिए उन्हें, कैसा इनको रखना चाहिए? इनको रखने के लिए क्या है, इनको ज़्यादा पानी में नहीं रख सकते हम लोग, तो okay. पानी के बाहर आने के लिए इनको जगह चाहिए। तो इसमें ऐसी कुछ आप हाइडिंग प्लेसेस या फिर ड्रिफ्ट वुड ऐसे रखो okay. कि ये जब चाहे तो पानी के बाहर आ सकते हैं। ओके okay. और खाना वगैरह फीडिंग इनको क्या लगता है? इनको फीडिंग में आप ग्रीन पैलेट्स वगैरह दे सकते हैं या फिर वर्म्स दे सकते हैं। ओके, और इनके लिए स्पेशल फूड भी आते हैं क्रैब्स के, वो भी आप दे सकते हैं। ओके, तो और कितनी साइज इनकी बढ़ेगी? इनकी साइज और 1 सेंटीमीटर तक और बढ़ेगी। ओके, और हम इनको सिर्फ इनके साथ ही रख सकते हैं? हाँ, क्रैब्स की जितनी वैरायटीज है, जो ड्रॉफ वैरायटी है जैसे छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, उनके साथ आप रख सकते हो। ओके, तो जय इसके अंदर मुझे अलग अलग क्रैब्स दिख रहे कलर के, तो क्या वैरायटी है इनकी? हाँ, इनके कलर्स के ऊपर इनकी वैरायटी नाम दिया जाता है, जैसे okay. अभी ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये छोटे हैं लेकिन कभी कभी काट लेते हैं। तो ये है, जैसे ये ऑरेंज है। ओके okay, ये ऑरेंज वैरायटी है। हाँ, तो ये है रेड डेविल क्रैब। ओके, इनके जो ये आगे के क्लॉज है, जी हाँ, इनसे ये खाना हाथ में पकड़ के वो खाना चालू कर देते हैं। ओके, और इनकी ये आंखें ऊपर दिख रही है आपको? जी हाँ, हाँ, छोटा सा काटते हैं लेकिन बहुत दिखता है। राइट, और ये है, मैं दूसरा दिखा देता हूँ, जिसका ये बैक जो है ये येलो है, ये येलो बैक जो है okay. ये वैम्पायर क्रैब है। वैम्पायर क्रैब? हाँ, वैम्पायर, इनके ऊपर वैम्पायर का डिजाइन आ जाता है देखो okay. ये ऊपर, अच्छा, जो ब्लैक में दिख रहा है, जी हाँ, वैम्पायर का डिजाइन है जी। हाँ, तो ये वैम्पायर क्रैब कहा जाता है इसको। तो इनमें ये दूसरी वैरायटी है, राइट, यहाँ पे। और ये तीसरी आपको दिखा दो मैं यहाँ पे, हाँ ये है, ये पैंथर क्रैब है, ये जो है इसको बोलते हैं पैंथर क्रैब। हाँ, ये पैंथर क्रैब है, इनके पूरे बॉडी पे स्पॉट्स है। राइट, स्पॉट्स है इनके बॉडी पे, और ये बड़े हो जाते हैं। अच्छा, इनकी साइज ऑलमोस्ट 6 inches तक बढ़ती है। ओके, 6 inches तक इनकी ग्रोथ होती है? यस यस यस, इनकी ग्रोथ 6 inches तक हो जाती है। और यहाँ पे और एक है, ये पर्पल क्लॉ। ये क्या है? पर्पल क्लॉ। पर्पल क्लॉ, इनके क्लॉ जो है पर्पल कलर के होते हैं, पर्पल क्लॉ क्रैब कहते हैं इनको। अच्छा, ये भी ड्वार्फ वैरायटी में है। ये पूरी एक्सोटिक्स वैरायटीज है, ओके, रेयरली देखने ही मिलती है, हमारे पास ये कलेक्शन है तो अपने हॉबीज़ के लिए। तो जय अब बात करते हैं इनके मेंटेनेंस के बारे में, इनके केयर के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें? एक्चुअली ये बहुत ही एक्सोटिक वैरायटीज है, इनको जो है ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी पड़ती है इनको रखने okay. के लिए, और इनको ऊपर से कवर करना पड़ता है क्योंकि इतने क्विक होते हैं कि ये भागने में एकदम माहिर होते हैं। जी हाँ, काफी स्विफ्टली, बहुत ही, मतलब इनको अगर संभाल के रखना है तो आपको ऊपर से पैक भी करके रखना होता है। अच्छा, और इनका जो इनके लिए सम स्पेशल क्रैब्स इनक्लोजर भी आते हैं। अच्छा, जिसमें आप रख सकते हैं इनको। ओके, तो वो अगर ये स्विफ्टली तैरते तो उनको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अंदर रखते हैं इसलिए। हाँ 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 हाँ। ओके, तो ये था सेकंड वैरायटी क्रैब्स का A Mart Aquatic World में। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वैरायटी। सो हियर इज द नेक्स्ट वैरायटी एट A Mart Aquatic World। जय, क्या है ये? ये है श्रिम्स है। श्रिम्स? ये श्रिम्स की वेरी रेयर वैरायटी है, जैसे क्रिस्टल, रेड क्रिस्टल श्रिम्प। जी हाँ, इसका जो रेड एंड व्हाइट कलर है यही इसकी ब्यूटी है। ओके, और बहुत रेयरली अवेलेबल होती है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसी श्रिम्प देख रहा हूँ, और मुझे पहचानने भी नहीं आई थी कि ये श्रिम्प है, बिकॉज दे आर वेरी लवली। तो स्टॉप,
बात करते हैं सबसे पहले बेसिक्स के बारे में, तो श्रिम्प के बारे में सबसे पहले क्या करना चाहिए घर पे लेके जाने के बाद? श्रिम्प्स को अगर रखना है तो अलग अलग श्रिम्प के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं. Okay. किसी को हाई पीएच लगता है, किसी को लो पीएच लगता है, किसी को टेम्परेचर ज्यादा लगता है तो किसी को कम लगता है. तो श्रिम्प्स के बारे में आपको पहले तो जानकारी लेनी है वो कौन से किसकी स्पेशीज है. जैसे उसमें सुलावेसी आता है, कार्डिन आता है, नियो कार्डिन आता है, अलग अलग ये आता है उसमें. तो उनके हिसाब से उनके वाटर पैरामीटर्स डिपेंड्स रहते हैं. ओके. तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. न्यू हॉबिस्ट इसको नहीं रख सकते जल्दी से जब तक वो उसकी जानकारी नहीं लेते. अच्छा. तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि कोई भी स्ट्रिम्स रखने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लो और उसके बाद ही उसे आप रखने की. ओके. और श्रिम्स को ऐसा सेटअप लगता है ड्रिफ्टवुड का एंड ऑल? हाँ, श्रिम्स को ड्रिफ्टवुड मस्ट है. ड्रिफ्टवुड चाहिए, उसको एल्गी आना चाहिए, जैसे नीचे आपका कारपेट ग्रास है होना चाहिए. Okay. तो ये सब मतलब उनका जो खाना है वो नेचुरल फूड ही आप दे सकते हैं. उनको अलग से आप जब फूड देते हो तो एकदम माइक्रो फूड देना चाहिए. Okay. तो सबके पास अवेलेबल नहीं होता. तो जब आप उसे प्लांटेशन में रखते हो जी हाँ. तो प्लांटेशन में उनको माइक्रो फूड ऑटोमेटिकली मिल जाता है. Okay. जैसे एल्गी है वो मिल जाती है उन्हें. और इसके अलावा अगर फूड की बात करें तो क्या फूड देना चाहिए? श्रिम्प्स के लिए स्पेशल फूड आते हैं. Okay. वो आप दे सकते हैं. बाकी तो श्रिम्प्स के लिए मतलब स्पेशल फूड ऐसा कुछ नहीं आता है. एल्गी वेफर्स वगैरह आते हैं. ओके. कुछ कंपनीज श्रिम्प्स के लिए फूड बनाती है, वो फूड आप दे सकते हैं. और इनकी साइज क्या इतनी रहती है, क्या वो और बड़े होते हैं? नहीं नहीं, ये ड्वार्फ साइज है, यही साइज होती है इनकी. तो यही साइज रहती है उनकी. और तकरीबन कितने टाइम तक ये रह पाते हैं मतलब? इनका लाइफ स्पैन वैसे 2 से 3 साल का होता है. ओके. और तो मेंटेनेंस एंड केयर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेंटेनेंस एंड केयर बोले तो आपको इसका वाटर जो है वो क्लीन रखना है, क्योंकि गंदे पानी में इनको प्रॉब्लम हो जाता है. ओके. और बाकी मैंने जो पहले ही बताया आपको, वाटर पैरामीटर्स एंड टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है. जी हाँ. तो ये थी पहली वैरायटी. और ए मार्ट एक्वेटिक वर्ल्ड में और भी वैरायटीज है श्रिम्प की. तो ये थी फर्स्ट वैरायटी. अब हम आपको दिखाएंगे दूसरी वैरायटी श्रिम्प्स की. तो यहाँ पे दूसरी श्रिम्प्स जय, ये कौन सी श्रिम्प है? ये ब्लैक क्रिस्टल है. जैसे मैंने आपको रेड क्रिस्टल दिखाई जी हाँ, वैसे ही रेयर ये श्रिम्प है, ब्लैक क्रिस्टल श्रिम्प. ब्लैक क्रिस्टल. हाँ, तो इसमें जो मार्किंग्स है वो चेस बोर्ड के जैसी है, ब्लैक एंड वाइट. ओके. एंड ये वो उनसे थोड़ी सी छोटी है राइट? हाँ, ये जैसे साइज तो दोनों का सेम ही हो जाता है. Okay. लेकिन ये थोड़े स्मॉल साइज में आया. स्मॉल साइज में. ओके. पास जी. तो ये थी दूसरी वैरायटी. अब बढ़ते हैं तीसरी वैरायटी के पास. सो हियर इज द थर्ड वैरायटी ऑफ श्रिम्प्स. तो ये कौन सी वैरायटी है? ये ब्लैक चोको श्रिम्प है. इनको नॉर्मली चॉकलेट श्रिम्प भी कहा जाता है. ओके. क्या इनका कलर चॉकलेट की तरह होता है? हाँ, इनका कलर जो है डार्क चॉकलेटी होता है. ओके. तो इसलिए इनको ब्लैक चोको श्रिम्प कहा जाता है. ओके. और इनकी भी साइज अप्रोक्स उनकी तरह इतनी रहती है? हाँ, इनकी ये लार्ज साइज है. Okay. इसी साइज में ये ब्रीड भी होना चालू हो जाते हैं. ओके. तो ये थे तीन वैरायटी के श्रिम्प्स जो ए मार्ट एक्वेटिक वर्ल्ड में है. श्रिम्पलेट्स बोलते हैं. और यहाँ पे जो है बेबीज है श्रिम्प्स के. यहाँ पे छोटे छोटे आप माइक्रो साइज में देख सकते हो. जय, ये बेबीज है राइट? हाँ, ये सुपर रेड श्रिम्प है और इसके बेबीज है. Okay. यहाँ पे ब्रीड होना चालू हो गया. इनको वाटर पैरामीटर जब सुटेबल रहता है तो ये ब्रीड होना चालू हो गया. ओके. सुपर रेड के बेबीज है राइट? यस, सुपर रेड श्रिम्प के. ओके. एंड बहुत सारे है यहाँ पे. ये जो है नेक्स्ट वैरायटी है श्रिम्प की, ये कौन सी वैरायटी है? ये ब्लैक फैंटम श्रिम्प है. Okay. जैसे ब्लैक और वाइट इनको क्रॉस करके जो वैरायटी निकलती है जी हाँ. तो इसमें देखो थोड़े ब्लैक फ्लैच और थोड़े ट्रांसपेरेंट है राइट. तो इनको ब्लैक फैंटम श्रिम्प कहा जाता है. ओके. इसमें भी आप देखेंगे तो आपको बेबीज दिखाई देंगे. गौर से देखेंगे तो ये बेबीज है यहाँ पे. ओके.
तो यहाँ पे है दूसरी और एक वैरायटी, काफ़ी छोटी है, काफ़ी माइक्रो साइज में है जय, ये कौन सी टाइप की है? ये पर्पल टाइगर श्रिम्प है। ओके। ये इंडोनेशिया स्पेसीज है और ये बहुत ही छोटी रहती है, ड्वार्फ श्रिम्प कहा जाता जी है। जी हाँ, ये मैंने आज तक इतनी छोटी श्रिम्प नहीं देखी है। हाँ, ये ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है, इतनी साइज में रहती है ये। ओके। बहुत ही खूबसूरत दिखने में। जी हाँ। और आपके क्या ये टैंक में रखने श्रिम्स में क्या इनकी सबसे छोटी साइज होती है श्रिम्स में अगर बात करें तो? हाँ हाँ, ये सबसे छोटी साइज की श्रिम्प है। ओके। अब तक के मेरे रिकॉर्ड की ये सबसे छोटी श्रिम्प है। ओके। और इनके ऊपर हमें बैंड्स भी दिख रहे हैं बॉडी के ऊपर, पर्पल बैंड है। आप अगर गौर से देखेंगे तो पर्पल से, पर्पल टाइगर श्रिम्प कहा जाता है। जी हाँ, बहुत ही क्यूट सी श्रिम्प है ये। जी, थैंक्स अ लॉट जय फॉर टेलिंग अस अबाउट ऑल द वराइटीज़ यू हैव एट ए मार्ट एक्वेटिक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हमने बहुत सी डिफरेंट वराइटीज़ कवर की, लॉबस्टर्स, श्रिम्स, क्रैब्स। तो जो हमारे व्यूवर्स है अगर उनको इंटरेस्ट रहेगा तो क्या वो आपके नंबर से कॉल कर सकते हैं आपको? Yes, क्या आप उन्हें जो प्राइजेस और डिलीवरी ऑप्शंस बताएंगे? हाँ पक्का, अगर कोई मुझे इंटरेस्टेड है और मुझे कोई कॉल करता है तो मैं उनको पूरे मेरे जो श्रिंक्स की कॉस्ट है और उनके डिलीवरी चार्जेस जो है okay. उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच जय। वेलकम। So this was today's video about the shrimps, lobsters and crabs at A Mart Aquatic World. If you like the video, do the thumbs up button and make sure you stay tuned to watch some more upcoming interesting videos. Thank you so much for watching.